वेलकम टू चैनल बैक अगेन। सर आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जो मैंने मेरे कॉलेज के लिए जो SL का प्रोजेक्ट बना सेंसर लैब में जो के लिए मैंने जो प्रोजेक्ट बनाया था उसका मैं यहाँ पे वॉक थ्रू देने वाला हूँ पूरी इस वीडियो में। सो मैंने अभी हम लोगों ने क्या बनाया था, तो हम लोगों ने ऑटोमेटिक बैरियर ओपनर सिस्टम बनाया था यूजिंग वायरलेस नेटवर्क। तो हम लोगों ने एक मास्टर और स्लेव नोड ब्लूटूथ यूज करके हम लोगों ने कम्युनिकेट किया था बिटवीन द सर्वो मोटर जो ओपन करता है बैरियर एंड फॉर टू IR सेंसर टू डिटेक्ट द ऑब्जेक्ट। तो हमने वो सारी जो चीज़ें ऐसी चीज़ें हमने इम्प्लीमेंट की थी। तो मैं बोला कि इसको मैं जो ये डॉक्यूमेंट किया है मैंने इसको मैं यूट्यूब पे डाल देता हूँ, क्योंकि क्या हो रहा है कि जब मैंने जब सर्च किया था कि हम कैसे इसको कर सकते तो उसके ऊपर वीडियोस बहुत लिमिटेड थे और कुछ कुछ थे वो थोड़े बहुत ज़्यादा हाई एंड थे। तो अगर मेरी इस वीडियो में आपको पूरा बेसिक्स कवर करने के लिए कोशिश करूंगा, एंड अगर आपको वीडियो मेरा ये जो ट्राई है वो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन को भी हिट कर सकते हो। पर फिलहाल के लिए इस वीडियो का हम शुरू करते हैं। डायरेक्टली ऑटोमेटिक जो वायरलेस ऑटोमेटिक नेटवर्क बनाने से पहले हम देख लेंगे कि आर्किटेक्चर क्या होता है, कि आर्डिनो क्या है, आर्डिनो कैसे है। तो अभी यहाँ पे मेरे पास एक आर्डिनो है, आर्डिनो यूनो हम लोग यूज करने वाले है। तो अगर आप यहाँ पे देख सकते हो तो यहाँ पर RX है, यहाँ पे यहाँ पे RX है, यहाँ पे RX है, यहाँ पे TX है, विच आर यूज दे आर रिसीविंग ट्रांसमिशन पिन है जो सिग्नल इनपुट आउटपुट के लिए यूज होता है। यहाँ पे 13 नंबर पिन है जहाँ पे LED होती है फॉर आउटपुट, और यहाँ पे इसके ऊपर ग्राउंड है, एंड यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे रीसेट रहेंगे, 5 वोल्ट है, 3.3 वोल्ट है, ग्राउंड है, ऊपर 3.3 वोल्ट है, उसके ऊपर रीसेट है। और ये रीसेट बटन होता है अगर कभी आपका आर्डिनो हैंग हो जाता है या फिर प्रोग्राम अगर आप बार बार हो रहा है तो अगर लोड नहीं हो रहा अगर आपके इसमें, तो आप ये जो वो जो रेड बटन है उस पर आप क्लिक करो तो पूरा जो आपका आर्डिनो है वो रीसेट हो जाएगा। अगर मैं आपको क्लियरली आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपको देखना है तो कैसे कौन सा आर्डिनो, तो मेरे पास यहाँ पे एक पिक्चर है तो उसके हिसाब से उसके हेल्प से मैं बता दूंगा कि आर्डिनो का आर्किटेक्चर क्या है, क्योंकि यहाँ पे इतना ज़्यादा क्लियर नहीं दिख रहा है। सो आप इस पिक में देख सकते हो कि यहाँ पर कैसे दिख रहा है। यहाँ पर मैंने जिससे बताया कि ये RX और TX है, यहाँ पर मैं जो मेरा माउस है जो यहाँ पे दिख रहा है, और ये यहाँ पे मैंने दबो 13 पिन दिखाया वो होता है, ये यूजफुल होता है फॉर इनपुट आउटपुट। यहाँ पे बेसिक जब हम ऑपरेशन करते हैं तो अगर हमें सिर्फ LED ब्लिंक करना है तो उसके लिए ये यूज़ होता है। बाकी यहाँ पे ये 3.3 वोल्ट, 5 वोल्ट, ये ग्राउंड है, ये दो ग्राउंड है, और ये दो ग्राउंड पिन है, और ये बाकी सारे A1, A0 है, और ये बाकी सारे डिजिटल पिन है। तो हम जैसे हम आगे प्रोसीड करें तो आप देखेंगे कि कैसे हम किस चीज़ के लिए हम किस तरह से हम ये जो पिन है अलग अलग ऑपरेशन के लिए यूज़ करते हैं। तो अभी फिलहाल के लिए मैं आपको अभी ये सारा आर्किटेक्चर तो बता दिया, अभी हम देखते हैं कि हम कोड कैसे लिखेंगे, कोड किस में लिखेंगे, कैसे करेंगे, वो हम सारी चीज़ें इस अभी हम आगे प्रोसीड करेंगे और देखेंगे। यहाँ पे अगर आप देख सकते हो तो ये मैं अभी आर्डिनो आईडी के साइड पे आ चुका हूँ। इसका जो लिंक है कहाँ से डाउनलोड करना है वो सारी चीज़ें मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अगर आप चेक करोगे तो मिल जाएगा आपको। यहाँ पे सिर्फ आपको अभी यहाँ पे मेरा विंडोज़ है तो मैं विंडोज़ 7 एंड न्यूअर के लिए जो भी है यहाँ पे इंस्टॉलर में इंस्टॉल कर दूंगा। मैक के लिए है, लिनक्स के लिए भी ये सपोर्ट करता है। सो मैं यहाँ पे अगर सिलेक्ट कर दोगे तो बस यहाँ पे जस्ट डाउनलोड और डाउनलोड हो जाता है। तो मेरे पास तो मैं पहले से ही है, तो मैं यहाँ पे मैं अभी फिलहाल के लिए कैंसिल कर दूंगा। एंड कैंसिल करने के बाद जैसे भी आपके जो भी नॉर्मल हमने जैसे इंस्टॉलेशन करते हैं क्लिक करने के बाद जो इंस्टॉल करते हैं वही हमें सिर्फ यहाँ पे करना है, और आपका जो आर्डिनो आईडी है वो खुल जाएगा। तो मेरे यहाँ पे आर्डिनो अभी आईडी मेरा यहाँ पे है, जस्ट सेकेंड, ये ओपन हो रहा है। ओके, ये तो अलग है, वो जो एरर है वो आपके इसमें नहीं आएगा, आपके इसमें प्लेन आ जाएगा। आपको मतलब जैसे मेरे वो वहाँ पे कुछ पैकेजेस में इश्यूज है। तो इस तरह से आपको लेआउट आ जाएगा जब आप आर्डिनो आईडी को इंस्टॉल करने के बाद ओपन करते हो। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे मेरे पास पहले से ही खुला था दूसरा वाला है, तो मैंने यहाँ पे फाइल पे जाके उन्होंने न्यू पे क्लिक किया, जैसे भी नया फाइल ओपन करोगे आपको बताओ कि यार इस तरह से लेआउट आता है जब आप फर्स्ट टाइम ओपन करोगे तब। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, एडिट है, स्केच है, टूल्स है, हम यूज़ कर हम आगे देखेंगे कि बोर्ड आर्डिनो यूनो पे सेटअप करना पड़ता है, इन्फो क्या होता है वो हम सारी चीज़ें देखेंगे कि किस 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 तरह से हम कैसे इसको आगे रखें इस्तेमाल करना है। तो अभी फिलहाल के लिए तो हम फाइल में जाएंगे एंड देखेंगे कि फाइल में अगर आपको नया अगर फाइल खोलना है तो हम न्यू पे जाके या फिर कंट्रोल एंड कर दोगे तो शॉर्टकट है जिससे कि नया फाइल ओपन हो जाता है। सो बस इतना ही था। एंड अभी यहाँ पे जो ये एम्प्टी है ये क्या बताता है कि यहाँ पे void setup ये एक ही बार इतना याद रखो कि void setup एक बार चलता है और void loop बार बार चलते रहता है।
वॉइस सेटअप में आपको सारे जो सेटअप्स है, मतलब आपको मतलब ये पिन नंबर है, इस पिन नंबर का कौन सा वेरिएबल लिया, वो सब आपको वॉइस सेटअप में करना है, एक ही बार रन करना है। वॉइड लूप में आपको जो भी रिपीटेड स्टेटस स्टेप्स करना है, मतलब आपका वर्किंग करना है, वो सारा वॉइड लूप में आ जाएगा। सो बस इतना ही था इसमें। तो अभी हम देखेंगे कि मैं यहाँ पे पहले आपको वायर में करके देंगे, IoT का प्रोजेक्ट करके बताऊंगा। उसके बाद में मैं जो वायरलेस नेटवर्क में कैसे हम इम्प्लीमेंट करते हैं, मतलब अगर देखो मेरा इस वीडियो से आपको कहना, मतलब एक इंटेंशन क्या है कि देखो बहुत सारे तो हम प्रोजेक्ट्स नहीं बता सकते, बट ऑनलाइन यूट्यूब पे जाओगे तो बहुत सारे IoT के प्रोजेक्ट्स पड़े हैं। तो अगर आप आपको अगर उस IoT का प्रोजेक्ट को अगर आपको IoT के प्रोजेक्ट को कैसे हम वायरलेस में लेके आ सकते हैं, वो हम आपको अभी वो आप इस वीडियो से आप समझ जाओगे, देख समझ लोगे कि किस तरह से हम आगे मतलब प्रोसीड कर सकते हैं। तो मैं हमें पहले आपको वायर का बता दो, वायर कैसे कर सकते, तो उसका वो पहले हम कोड देखते हैं। जो भी सारे कोर्स में इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगा, वो सारे कोर्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। उसका आपको PDF आपको ड्राइव की लिंक मिल जाएगी या फिर गिटहब का जो लिंक है वहाँ पे मैं अपलोड कर दूंगा। सो अभी हम देखते हैं कि कोड क्या है फॉर, मतलब अगर हमें एक वायर अगर IoT का प्रोजेक्ट बनाना है ऑटोमेटिक गैरियर ओपनर के लिए, तो हम कैसे करते हैं। तो अभी हम उस पर शिफ्ट कि होते आप जो हैं। ये स्क्रीन के सामने अगर आप जो कोड देख रहे हो, ये है कोड फॉर ऑटोमेटिक बैरियर ओपनर सिस्टम यूजिंग IoT, मतलब जो वायर नेटवर्क यूज करके हम कैसे करते, तो उसके लिए है। तो यहाँ पे ये मैंने ये सारे कमेंट आउट करके रखे थे, ये मुझे एग्जैक्टली जो एंगल चाहिए था वो नहीं मिला था, तो मैंने यहाँ पे तभी वैसे किया था, बट अभी मेरे को एंगल मिल गया, मैंने ट्राई करके बाद मेरे को मिला था, तो इसलिए मैंने यहाँ पे मैंने 150 इनिशियल एंगल है, और उसके बाद में हमारा जब हम ओपन हो रहा है तो 90 डिग्री हो रहा है। ये मैंने क्यों किया, तो क्योंकि मेरे पास जो मोटर सर्वो मोटर है, ये डबल सर्वो मोटर है, डबल डबल पावर सर्वो मोटर है, MG995। इसका सिंगल पावर मोटर भी आता है, दैट्स बेस्ट फॉर एंगल अगर हमें चूज करना है, तो इसमें थोड़ा सा एंगल का इशू आ जाता है, मतलब वो बराबर से एडजस्ट करने के लिए टाइम लगता है, बट स्टिल ओके। हमारा जो भी सारा जो भी आपका जो वर्किंग है, या फिर आप डबल पावर मोटर लो या फिर सिंगल वाला ले लो, सब ढंग से यहाँ जो कोड है वो सेम ही रहेगा। सो यहाँ पे हमने पहले जो सर्वो मोटर की अगर लाइब्रेरी है वो हमें इंक्लूड करना है, एंड देन हमने यहाँ पे उसका ऑब्जेक्ट बना लिया सर्वो मोटर करके, एंड देन वॉइड सेटअप। वॉइड सेटअप में जैसे मैं आपको बता देखिए हमें कहाँ कहाँ पे हमें हमारा जो ऑब्जेक्ट्स है वो कहाँ पे हमें लगाने हैं। यहाँ पे पिन मोड मैंने यहाँ पे 3 दिया है इनपुट, मतलब यहाँ पे 3। अभी इनपुट हमारा क्या है, हमारा IR सेंसर है, IR सेंसर डिटेक्ट कर रहा है अगर हाई या लो। IR सेंसर में 2 ही होता है, 0 या 1, या फिर हाई और लो होता है। जब हाई होगा तब गेट ओपन होना चाहिए, और जब अगर सिग्नल लो होगा तो गेट बंद होना चाहिए, तो वो एक बेसिक ऑपरेशन है। तो यहाँ पे मैंने और इसको सीरियल डॉट बिगिन 9600 पे कर दो, अगर जैसे कि अगर कोई अगर आपका जो भी ऑब्जेक्ट है वो किसी और फ्रीक्वेंसी पे चला गया, तो वो सीरियल मतलब उसी सीरियल पोर्ट में आ जाए और कम्युनिकेशन बराबर से हो जाए। तो यहाँ पे पिन मोड 9 पे 9 हमने आउटपुट रखा है, आउटपुट पिन है जहाँ पे हमारा जो सर्वो मोटर है वो लगेगा, और इनपुट पे हमारा ये जो IR सेंसर है वो लगेगा। IR सेंसर में यहाँ पे सिर्फ 3 ही होते हैं, एक आउटपुट होता है यहाँ पे ये जो पिन है, आई होप सो आपको दिख जाए यहाँ पे, ये यहाँ पे मेरे जो यहाँ पे हाथ पे, यहाँ पे आउटपुट है, बीच में ग्राउंड है, बीच में ग्राउंड है, और लास्ट की जो पिन होती है वो VCC होती है, तो यहाँ पे मैंने मतलब वो होता है। एंड देन यहाँ पर ये इस तरह से आपको कोड लिखना पड़ता है फॉर सर्वो मोटर पिन नंबर 9, मोटर अटैच, यहाँ पे मोटर डॉट अटैच 9, एंड देन लूप में कोड इस तरह चलता है कि मोटर डॉट राइट। हम लोग देखते हैं कि फर्स्ट मैंने यहाँ पे ये मोटर डॉट राइट पी क्यू रखा है कि अगर किसी भी पोजिशन में हो तो वो पहले जो किसी अगर 150 डिग्री के एंगल में नहीं है तो उसको 150 डिग्री एंगल में लाना है उस मोटर को, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे लिखा है। एंड उसके बाद मैंने देखना है कि अगर डिजिटल रीड हाई है, मतलब अगर हमें इनपुट हाई मिलता है IR सेंसर से तो हमें गेट ओपन करना है, और अगर हमें लो मिलता है तो हमें बंद करना है गेट। तो यहाँ पे मैंने डिले भी डाला है, तो वो आपके ऊपर आपको डिले कैसा करना है। मैं अभी यहाँ पे थोड़ा सा 1000 इज बिट मोर, तो मैं इसको 1000 कर दूंगा। 1000 मतलब ये 1 सेकेंड होता है, ये मैंने 1000 मिली सेकेंड है, तो अगर आप देखोगे तो 1 सेकेंड हो जाएगा अगर आपको सेकेंड में आपको लिखना है, तो ये 1 सेकेंड का मैंने डिले दिया है फॉर, मतलब अगर जब गेट ओपन होता है तो गाड़ी भी पास हो जाना चाहिए ना, या फिर जो ऑब्जेक्ट है। अभी फिलहाल के लिए तो हम यहाँ पे देख रहे कि ऑब्जेक्ट डिटेक्ट हो रहा है और हम इसको ओपन कर रहे हैं, तो बस हम लोग वही चीज़ करने वाले हैं। और उसके बाद में फिर से अगर जब अगर हमें सिग्नल लो है तो हमें क्या करना है, फिर से जो हमें जो गेट है वो बंद करना है, मतलब फिर से जो सर्वो मोटर का जो एंगल है वो 150 करना है,
एंड देन वो जो पी को हमने सेट किया एंड देन उसको हम लोग सेट कर रहे हैं मोटर राइट, मतलब अभी वो बंद हो जाना चाहिए। तो ये बेसिक कोड था, अगर आप प्रोग्रामिंग करते तो आपको समझ में आ जाएगा, बहुत इजी कोड है। तो अभी हम देखेंगे इसको कनेक्शन कैसे करते हैं। तो कनेक्शन के लिए यहाँ पर हमने यहाँ पे ब्रेडबोर्ड लिया है, तो ब्रेडबोर्ड यूज़ करेंगे। और मैंने आपको यहाँ पे आयर सेंसर भी बता दिया और आर्डिनो यूनो बोर्ड है, और मेरे पास यहाँ पे कुछ जम्पर वायर्स है। तो आप जम्पर वायर्स, आप सादे वायर्स भी यूज़ कर सकते हो। उसमें इशू क्या था कि आपको वो शोल्डरिंग करना पड़ेगा, तो यहाँ पे जम्पर वायर्स आर गुड, उसमें जम्पर वायर्स अच्छा काम करते हैं, थोड़ा सा बेटर होते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास ये फीमेल टू फीमेल वायर्स होते हैं। दिस यहाँ पे ये जो वायर है, यहाँ पे एक साइड पिन है और यहाँ पे इनपुट लेने के लिए, तो ये मेल टू फीमेल है। और मेल टू मेल वायर्स का एग्जांपल, एक सेकेंड, हाँ, तो ये यहाँ पे दोनों साइड पे जब हमें डालना होता है, तो ये दोनों जहाँ पे पिन है, पिन दिया है, तो ये दोनों मेल है, मेल वायर्स है। सो यहाँ पर मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हम क्या यूज़ करने वाले हैं। तो अब हम देखते हैं कैसे हम इसको बना सकते हैं, हमारा जो हम इसको कैसे कनेक्शंस करने वाले हैं। उसके पहले भी आपको बता, अगर किसी को नहीं पता कि ब्रेडबोर्ड में कैसे हम लोग देते क्या, मतलब ब्रेडबोर्ड कैसे, हाँ, मतलब कैसे कॉन्फिगर करना है, तो हम देख सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो बीच में जो होते हैं ना, ये बीच का जो पार्ट है ना, यहाँ पे आई होप आपको दिख सके। सो अभी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये जो बिटवीन में जो ये जो पार्ट्स है, तो यहाँ पे ये जो लाइन है ना, ये यहाँ पे ये जो लाइन है ना, ये सारे सीरीज में कनेक्टेड है। और यहाँ पर ये पूरा जो रो है ना, ये पूरा सीरीज में कनेक्टेड है। सो बस ये याद रखना, याद रख लो ब्रेडबोर्ड के बारे में, बाकी कुछ ऐसा कुछ है नहीं है। क्योंकि ये आपको मैं आपको बताऊँगा कैसे, जब अगर हम वायरलेस कनेक्शन करेंगे तो कैसा था कि वायरलेस में कैसा था कि ब्लूटूथ को भी वीसीसी चाहिए होता है, आपके जो इनपुट आउटपुट डिवाइस उसको भी वीसीसी चाहिए होता है, और आर्डिनो को वीसीसी होना ही है। तो वो कैसे हम, मतलब जो भी उसको आर्डिनो से हम उन दो पिन को कैसे हम कनेक्ट कर सकते हैं, तो वो हम सीरीज मेथड्स के, सीरीज और पैरेलल यूज करके हमने पता है। तो वो जो कॉन्सेप्ट है वो हम यूज़ करने, बेसिक कॉन्सेप्ट यूज़ करने वाले हैं। तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि ब्रेडबोर्ड में कैसे हम कनेक्शन करते हैं। तो मैं आपको अभी अभी कनेक्शन के ऊपर जाते हैं हम लोग। सो अभी आप देख सकते हो यहाँ पे मेरे आपके सामने यहाँ पे एक आर्डिनो यूनो का बोर्ड है। तो अभी अगर मुझे यहाँ पे से कनेक्शन करना है तो हम कैसे कर सकते हैं, जिस तरह से मैंने आपको बताया ये यहाँ पे ये पिन्स, ये डिजिटल पिन्स है, इनपुट पिन्स, तो हम इसमें कैसे कर सकते हैं जो भी कनेक्शन है वो आपको बताऊंगा। सो पहले हमारे पास ये आयर सेंसर है, तो हम इसको कनेक्ट करना है। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ मेल टू फीमेल वायर्स मैं उसको कनेक्ट करने वाला हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास बहुत सारे मेल टू फीमेल वायर्स है, तो यहाँ पे मुझे यहाँ पे वीसीसी है, ग्राउंड के लिए मुझे एक करना है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो ये मैं यहाँ पर ग्राउंड के लिए कर रहा हूँ, यहाँ पे ग्राउंड का कनेक्शन, एंड देन आउटपुट के लिए कनेक्शन यहाँ पे मैं कर रहा हूँ। सो इस तरह से हमने जो आयर के लिए जो कनेक्शन चाहिए था आयर सेंसर के लिए, वो हमने कनेक्ट कर दिया है। तो अभी हम देखेंगे कि अभी हम जो सर्वो मोटर के लिए कनेक्शन है वो कैसे करते हैं। तो सर्वो मोटर की जो पिन्स है वो इस तरह, सर्वो मोटर इस तरह से होता है। यहाँ पे मेरे पास डबल पावर मोटर है, सिंगल में सिंगल एंगल भी आता है। यहाँ पे देखो ये डबल है तो सिंगल में भी आता है, मतलब यहाँ पे ये जो एंगल है वो नहीं आता, सिर्फ एक सिंगल एक डंडी होती है, हाफ डंडी। तो यहाँ पे मेरे पास ये तीन वायर्स है, तो आप देखोगे यहाँ पे ये जो येलो वायर है ये इनपुट वायर होती है, मतलब ये एक जहाँ पे आपको किसी भी डिजिटल इनपुट पोर्ट पे लगाना है तो वो है। रेड हमारा वीसीसी होता है पावर के लिए, और ये जो है ये ग्राउंड है। तो अभी हम कनेक्ट करेंगे किस तरह से, तो आप देखोगे तो यहाँ पे ये मैंने इसको, ये जो ब्लैक वाली वायर है इसको मैंने ग्राउंड के लिए कनेक्ट कर दिया। ये हम पावर के लिए लगा देंगे वीसीसी के लिए, एंड दिस इज़ फॉर जो हमारा क्या कहते हैं कि जो इनपुट हम कहाँ पे किस पोर्ट पे लगाने वाले हैं, वो हमारा ग्रीन वायर हमारा जो पिन पर लगाने वाला है। सो अकॉर्डिंग टू हमारा जो कोड है उसके हिसाब से ये जो पोर्ट नंबर 9 है इस पे ये ग्रीन वायर है हमें, ओके, ये जो ग्रीन वायर है ये पोर्ट नंबर 9 पे लगने वाला है। तो इस तरह से हम अभी कनेक्शन करेंगे। अभी हम देखेंगे कि अभी हम यहाँ पे एक जो कंडीशन है ये होता है कि आर्डिनो में तो एक ही वीसीसी का पोर्ट है। यहाँ पे ये 5 वोल्ट देख रहे हो, यहाँ पे थोड़ा दूर लिखे जाते, तो यहाँ पे ये जो 5 वोल्ट है और 5 वोल्ट के बाजू में ग्राउंड है और ये 3 पॉइंट, तो हमें 5 वोल्ट चाहिए है। तो अभी अगर हमें उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है तो हम कैसे करेंगे, यहाँ पे हम एक वायर लगा देंगे और इसको हम ब्रेडबोर्ड पे यहाँ पे किसी भी एक पोर्ट पर लगा देंगे, किसी भी एक पोर्ट पर लगा देंगे, इसको हम सीरीज में कनेक्ट कर देंगे।
तो अभी मैं आपको कनेक्ट करके बताता हूँ, उसके बाद में हम देखेंगे किस तरह से मैंने कनेक्शन किया है करके। सो यहाँ पे मैंने अभी थोड़ा सा हाथ में पकड़ा है तो हिलने का थोड़ा इशू है कैमरा, बट मेरे को आपको कनेक्शन बताना है कि कैसे करते हैं। तो यहाँ पे अगर मेरे को डिस्ट्रीब्यूट करना है तो मैं यहाँ पे ये जो 5 वोल्ट है इस पर मैं रखूँगा, एंड यहाँ पर मैं इसको यहाँ पे ऐसा कनेक्ट कर दूँगा। इसको मैं इस पोर्ट पे कनेक्ट हो गया नहीं है, एक सेकेंड। हाँ तो यहाँ पे मैंने इसको कनेक्ट कर दिया, एंड नाउ हमें अभी अगर हमें पावर तो डिस्ट्रीब्यूट करना है, उसके साथ हमें ग्राउंड भी डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो ये हमारा ग्राउंड है और मैं इस ग्राउंड को यहाँ पे लगा देता हूँ, अटैच कर देता हूँ। तो इस तरह से हमने ग्राउंड कर दिया। अभी हमें जो हमारा सर्वो मोटर है वो लगाना है। तो यहाँ पे ये बिसाइड मेरे यहाँ पे ही सर्वो मोटर है। तो जिस तरह से मैंने आपको बताया कि ये जो सर्वो मोटर है इसका जो इनपुट पिन है ये 9 है, तो हम लोग यहाँ पे ये जो 9 है इस पर हम कनेक्ट करेंगे। हमें ये आउटपुट है तो इसको मैं थोड़ा साइड में यहाँ पे लेके दिखा दूँ आपको, समझ दिख जाए आपको अच्छे से। एंड यहाँ पर इसके बाद में जो बाकी के जो दो वायर्स है उसमें क्या है, यहाँ पे ये रेड क्या है, रेड हमारा VCC है। तो यहाँ पे ये VCC के साथ देखोगे, ये जो हमने पहले यहाँ पे ये इस VCC के साथ कनेक्ट किया था तो वही हमें डालना है, वही हमें यहाँ पे ऐसा कनेक्ट करना है। ओके, सो मैंने यहाँ पे कनेक्शन कर दिया। एंड ये जो लास्ट जो ब्लैक वायर थी वो हमें ग्राउंड था, तो हम लोग यहाँ पे इसको ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर देंगे। इसी इसमें कनेक्टेड हो चुके, तो जो भी पावर है जो भी वोल्टेज है वो सारा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इक्वली। तो हमारा ये IR सेंसर है, एंड इसमें हम देखोगे तो ये हमारा आउटपुट, ये हमारा जो वायलेट है ये आउटपुट है। तो हम यहाँ पे इसको पिन नंबर 2 पे लगाएंगे। ओके, सो दिस इज़ ऑन पिन नंबर 2, एंड ये जो हमारा है ग्राउंड, तो ग्राउंड हम लोग यहाँ पे इसको लगा देंगे, अटैच कर देंगे इसके आजू में। एंड इसी लाइन में हम लोग इस तरह से इसको ये जो हमारा VCC है इसको हमने कनेक्ट कर दिया। सो इस तरह से सारे जो कनेक्शंस है वो कर दिया। एक बार चेक कर लो, यहाँ भी VCC इसको कनेक्ट हो चुका है, ग्राउंड है यहाँ पे, एंड आउटपुट पिन हमने 2 के लिया है, यहाँ पे 9 है, और ये सारा ये यहाँ पे हमने यहाँ पे दरवाजे से सारा जो कनेक्शन है वो हमने कर दिया है। यहाँ पे हमारा आउटपुट दिखेगा, यहाँ पे हम लोग इनपुट लेंगे और यहाँ पे हमारा जो भी आउटपुट है वो दिख जाएगा। सो अभी हमें कोड इंसर्ट करना है, तो उसके लिए यहाँ पे हमें आर्डिनो लगेगा। तो यहाँ पे आर्डिनो की जो वायर है वो मैं यहाँ पे इंसर्ट करता हूँ, एंड हम लोग उसके अंदर कोड इंसर्ट करते हैं। कोड कैसे इंसर्ट करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। इस तरह से जो भी मेरा आर्डिनो यूनो है उसको मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है। तो अगर आप अभी देखोगे तो यहाँ पे होप सो दिख जाए, या एक सेकेंड थोड़ा सा। हाँ तो अभी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मैं अगर फाइल आप टूल्स में जाओगे तो टूल्स में यहाँ पे आपको पहले बोर्ड जो है वो आर्डिनो यूनो सिलेक्ट करना है, एंड देन इन्फो में पोर्ट में जो अभी यहाँ पे ये डिटेक्ट कर रहा है कि कौन सा COM3 आर्डिनो यूनो पोर्ट 3 है, और ये हर आर्डिनो के लिए अलग अलग जो पोर्ट है यहाँ पे नाम अलग अलग बताएगा। जेनरिक के लिए सिर्फ यहाँ पे जो भी COM5 या फिर COM6 होता है, जेनरिक में आपका आर्डिनो बताऊँगा जब हम वायरलेस करके जब समझ में आ जाएगा। तो हमें पहले यहाँ पे सिलेक्ट करना है हमारा जो ये कोड है इसको, अगर मैं पहले यहाँ पे जो भी चीज़ है इसको हम लोग पहले सेव कर देते हैं जो उन्होंने कोड लिखा, उसके बाद में हम लोग कंपाइल करेंगे। तो नीचे आपको यहाँ पे कंपाइलिंग स्केच करके आ जाएगा, तो जो कोड है वो कंपाइल हो रहा है। तो ओके डन कंपाइलिंग, कोई एरर नहीं आया है। अभी हमें सिर्फ इसको अपलोड करना है, तो अपलोड के लिए यहाँ पे ऑप्शन है, इसको आपको क्लिक करना है, एंड हमारा जो भी कोड है वो अपलोड हो गया। अपलोडिंग डन, अपलोडिंग यहाँ पे मैसेज आ गया कि कोड अपलोड हो चुका है। अभी हम देखेंगे तो इसमें अभी मैं यहाँ पे अगर इसको इनपुट दे दूँगा, यहाँ पे इसको हाई दे दूँगा, तो ये देखो यहाँ पर ये रेज हो जाएगा यहाँ पे, जिसको जितना टाइम रहेगा अगर जितना टाइम रहेगा उतने टाइम वो ओपन रहेगा। यहाँ से इनपुट इसको लो कर देंगे तो ये बंद हो जाएगा। तो इस तरह से जो भी वर्किंग है ऑटोमेटिक बैरियर ओपनर का IoT में हमने करके बताया। अभी हम देखेंगे वायरलेस में हम कैसे करते हैं, उसका कनेक्शन क्या है, उसके लिए हम कोड कैसे करते हैं, और हम ये भी देखेंगे कि मास्टर और स्लेव जो ब्लूटूथ के जो नोड्स है मास्टर और स्लेव उसको हम कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, तो वो भी हम देखेंगे।
हमने देखा कि हमने आईओटी में हम कैसे कनेक्शन करते हैं, ऑटोमेटिक बैरियर ओपन हमें करना है तो आईओटी में हम कैसे कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पे हम देखेंगे, हम जैसे हमने देखो हमने देखा कि आईओटी में हम कैसे करते हैं, तो मैं आपको यहाँ पे आईओटी का कोड भी खोल के बता देता हूँ, एक सेकेंड। सो जिस तरह से हमने देखा था कि हमने यहाँ पे ये जो कोड है ये आईओटी का कोड है, जिससे हमने ऑटोमेटिक बैरियर ओपन आईओटी से हम कैसे हमने किया था, तो वही हम अभी किस हम कैसे इसको वायरलेस में करते हैं वो देखेंगे। तो यहाँ पे देखो हम लोग एक मास्टर करना है, हमें स्लेव करना है, तो हमें वो जो ब्लूटूथ मास्टर और स्लेव कैसे कॉन्फिगर करना है वो आपको मैं आपको थोड़ी देर के बाद बताऊंगा, ये कोड एक्सप्लेन करने के बाद बताऊंगा। मैं सिर्फ कोड इसके लिए एक्सप्लेन करने की आपको पता होना चाहिए कि पिन नंबर हम कौन से पिन नंबर पे आयर लगा रहे हैं, कहाँ पे लगा रहे हैं, तो वो सारा चीज़ें जो भी थोड़ा सा यहाँ पे चेंजेस है वही मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो यहाँ पे ये जो कोड है ये पूरा सेम रहेगा, सिर्फ यहाँ पे हमें क्या देखना है कि यहाँ पे हमें ये मास्टर है, तो यहाँ पे हमें जो सीरियल प्रिंट है हमें ये प्रिंट करना पड़ेगा, एक सीरियल में कुछ एक कैरेक्टर प्रिंट करना पड़ेगा, जिससे कि जो स्लेव में वो जो सीरियल है वो कैच कर पाए और उसके हिसाब से वहाँ पे जो फंक्शनैलिटी है वो हम एग्जीक्यूट कर पाए। तो फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपको बताऊँ तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर आप देखोगे यहाँ पे मेरा जो माउस कर्सर है वहाँ पे देख सकते हो, तो यहाँ पे डिजिटल थ्री रीड थ्री है लो है, मतलब जो भी मैंने यहाँ पे अभी सिर्फ मास्टर पे हम लोग आयर लगाने वाले, तो यहाँ पे मैंने सिर्फ फर्स्ट में स्टार्ट करता हूँ कि वॉइड सेटअप पे स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पे तो आयर भी लगाया था और सर्वो मोटर भी लगाया था, तो हम यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे हम मास्टर साइड का कोड लिख रहे हैं, तो यहाँ पे सिर्फ हम आयर सेंसर ही कनेक्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पे जो आयर सेंसर में कनेक्ट कर लिया है, सीरियल पोर्ट सीरियल जो फ्रीक्वेंसी है वो 9600 पे सेट किया है, पिन मोड हमने इनपुट है, आयर हमको इनपुट देगा और वो थर्ड डिजिटल पिन पे कनेक्टेड है वो हमने बता दिया। अभी हम वॉइड लूप पे जाएंगे, तो वॉइड लूप में क्या देख रहे हैं कि जब हम डिजिटल रीड अगर हमारा हाई है, अगर आयर ने हाई सिग्नल डिटेक्ट कर लिया, तो यहाँ पे तो हमें क्या करना है कि हम यहाँ पे तो क्या किया हमने यहाँ पे एक प्रिंट ए प्रिंट कर रहे हैं और उसके हमें थोड़ा सा डिले दिया है, जिससे कि जो गेट ओपन हो जाए और आराम से क्लोज हो जाए उसके लिए हमने दिया है। तो हम यहाँ पे भी देखो, अगर आप यहाँ पे भी आईडी में क्या किया हमने कि यहाँ पे देखो ये डिजिटल रीड किया है और उसके बाद में ये जो सारा चीज़ है, ये जो सारी चीज़ है ना, ये हम लोग इसको स्लेव साइड है, तो हम ये जो सारी चीज़ें हैं ये हम स्लेव साइड पे हम लोग इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। तो अभी मैं यहाँ पे तो इस तरह से है, तो अभी मैं आपको मास्टर और स्लेव दोनों कोर्स खोल के एक साथ बता देता हूँ, जिससे कि आपको आइडिया आ जाए। तो यहाँ पर ये एक स्लेव का है, तो देखो यहाँ पे ये मास्टर है और ये स्लेव है, तो आप देख सकते हो। तो यहाँ पे डिजिटल थ्री जब रीड पिन जब हाई हो जाती है, तो यहाँ पे सीरियल हम लोग प्रिंट क्या करते हैं, ए प्रिंट करते हैं। अगर आपको सीरियल प्रिंट दिखना है तो आपको यहाँ पे सीरियल मॉनिटर है, तो इस पे अगर आप क्लिक करोगे, तो अभी तो फिलहाल मैंने कोई यहाँ पे कनेक्टेड नहीं है इसलिए वो एरर आ रहा है। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि सीरियल मॉनिटर यहाँ पे क्लिक कर दोगे तो आपको वो दिख जाएगा, तो अभी जब हम वर्किंग करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे देखो, यहाँ पे डिजिटल रीड कर रहा है और उसके बाद में यहाँ पे साइमल्टेनियसली जब हम कनेक्शन करेंगे तो स्लेव देखता रहता है कि यहाँ पे कोई सीरियल पोर्ट सीरियल अवेलेबल है कि नहीं, मतलब कोई कैरेक्टर अवेलेबल है कि नहीं, जो मास्टर से कुछ सिग्नल सेंड हो रहे कि नहीं, अगर सेंड हो रहे हैं तो हमें अंदर जाना है। अब यहाँ पे मैंने एक कैरेक्टर बताया, यहाँ पे एक वेरिएबल लिया है वैल, जो देखता है कि ये सीरियल रीड हो रहा है, मतलब जो कैरेक्टर है वो रीड हो रहा है और वो स्टोर कर रहा है। एंड देन यहाँ पे प्रिंट ये मैंने सिर्फ अपने डीबग करने के लिए हम लोग को सिर्फ मैंने यूज़ किया है। एंड यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर जो कैरेक्टर है वो स्मॉल ए है तो हमें क्या, स्मॉल ए है तो हमें क्या करना है कि जो पी है वो 90 उसको उसको ओपन करना है। एंड अगर जो उस कैपिटल ए अगर हमारा कैरेक्टर है तो हमें उसे क्लोज करना है। तो इस तरह से हमें हमारा जो वर्किंग है उस तरह से होगा। सो अभी मैंने यहाँ पे सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी है। एंड यहाँ पर मैं एक चीज़ यहाँ पे आपको मैं एक चीज़ बोलना भूल गया, यहाँ पे मैं उस आईआईटी में भी वही था कि यहाँ पे जब हाई होता है, हाई मतलब क्या है कि जो आयर सेंसर है ना कोई भी ऑब्जेक्ट डिटेक्ट नहीं कर रहा है, लो मतलब होता है कि कोई जो आयर सेंसर है वो ऑब्जेक्ट डिटेक्ट कर रहा है। तो अभी मेरे को थोड़ा सा एरर आ रहा था आईओटी में, तो मैंने देख लिया एंड जो भी है सॉर्ट आउट हो गया। तो इस तरह से होता है, तो वो भी मैं एक चीज़ बोलना भूल गया। सो जिस तरह बाकी सारा कोड सेम है, यहाँ पे आप देख सकते हो कैपिटल ए है मतलब जब लो है तो उसको बंद करना है, एंड जब सॉरी हाई है तब बंद करना है, जब यहाँ पे जब अगर लो है मतलब ऑब्जेक्ट डिटेक्ट हुआ तो हमें ओपन करना है गेट। सो दिस इज हाउ द वर्किंग जो भी कोड है फॉर मास्टर स्लेव कॉन्फ़िगरेशन यूजिंग, अगर हमें ऑटोमेटिक बैरियर गेट ओपनर यूज़ करना है यूजिंग वायरलेस सिस्टम। तो अभी हम देखेंगे हम कैसे यूज़ करते हैं
हम कैसे दो ब्लूटूथ को हम सेट करते हैं मास्टर और स्लेव, एंड उसके बाद हम आगे प्रोसीड करेंगे कि और जो कनेक्शंस है वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो अभी हम कनेक्शंस के ऊपर मूव आउट करते हैं। अगर और ये जो कोड है इसका, जो जैसे मैंने बताया कि ये जो कोड्स है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, फिर गिटअप का मैं लिंक दे दूंगा। तो यहाँ पे मैंने सारे जो कनेक्शंस है वो कर दिए हैं। यहाँ पे अगर आप EN पे देखोगे तो EN हमारा 3.3 वोल्ट पे कनेक्ट होगा, +5 वोल्ट हमारा VCC है, ग्राउंड जो है वो हमारा जो ग्राउंड होता है वो है, और TX और RX पे हमने क्लिक किया। यहाँ पे जो स्टेट की जो पिन है उसको हमने कनेक्ट उसको कनेक्ट नहीं करना है, बाकी जो भी सारे पिन है, जो 5 पिन है, उसको हमें कनेक्ट करना है। RX और TX हमें पता है कि वो एक रिसीविंग ट्रांसमिशन इनपुट पिन है, तो वो भी है। मास्टर के लिए स्लेव के लिए भी वही सेम करना है, और मास्टर में भी आप देखोगे तो हमें वही सेम करना, तो मास्टर में आप देखोगे तो वो मास्टर के लिए भी आपको सेम जो भी कनेक्शंस है वही करने हैं। तो हमने जो ब्लूटूथ के कनेक्शंस देख लिया, अभी मैं यहाँ पे आर्डिनो जो यूनो है उसको मैं कनेक्ट कर दूंगा। एंड यहाँ पे सिस्टम चेक करते कि टूल्स में देखते कि हाँ कि ये पोर्ट तो सिलेक्टेड है और बोर्ड भी आर्डिनो यूनो उन्होंने सिलेक्ट करके रखा है। तो यहाँ पे इस तरह से ये जो सेटअप है, हमें सिर्फ अभी इसमें हमारा ये जो मेरे पास अभी आर्डिनो यूनो है उसमें हमें इसको कोड जो है वो अपलोड करना है, कंपाइल करना है फर्स्ट। तो कंपाइल तो हो जाएगा विदाउट एरर्स। सो जो कोड है वो कंपाइल हो गया, एंड देन हमें यहाँ पे अपलोड करना है उस कोड को। तो ओके, तो हमारा जो कोड है वो हमने अपलोड कर दिया। अभी हम देखेंगे कनेक्शंस कैसे करना है, एंड उसके बाद में सीरियल मॉनिटर का यूज़ करके हम कैसे एटी कमांड्स दे सकते हैं, जिससे कि जो हमारा स्लेव स्लेव ब्लूटूथ मॉड्यूल को स्लेव मास्टर को हम कैसे मास्टर कर सकते हैं, और ब्लूटूथ मॉड्यूल को स्लेव को कैसे कर सकते हैं। जिस तरह से अगर आपको अगर आपने वायरलेस टेक्नोलॉजी में पढ़ा रहेगा, कोई सब्जेक्ट रहेगा, तो उसमें जो ब्लूटूथ है वो और पिकोनेट्स करके एक टॉपिक होता है, उसमें देखते हैं कि जो एक ब्लूटूथ है उसको मास्टर होता है और वो और 8 उसके साथ और 8 स्लेव्स को हम कनेक्ट कर सकता है, तो वो कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं। सो अभी हम देखेंगे कि अब हम कनेक्शंस करेंगे। यहाँ पे मैंने जो ब्लूटूथ के लिए जो कनेक्शंस है वो मैंने कर दिए हैं। तो यहाँ पे अगर आप देख सकते हो तो यहाँ पे ये जो भी वायर्स है यहाँ पे कनेक्ट किया है, मैं ज़रा फोकस कर देता हूँ। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो भी वायर्स है RX TX के, जो RX का येलो है, TX का ब्लैक है, ग्राउंड का ग्रीन है, +5 हमारा VCC और EN हमारा 3.3 वोल्ट पे कनेक्ट होना चाहिए। तो वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिए है। तो जो हमारा 3.3 वोल्ट जो है वो हमारा EN है उसके साथ कनेक्टेड है, 5 वोल्ट VCC, ग्राउंड हमने कनेक्ट कर दिया है, जो ग्रीन है हमारा ग्राउंड है यहाँ पे। और जो RX और TX का है, जिस यहाँ पे RX की वैल्यू RX की वायर RX पे है, और TX की वायर TX पे हमने कनेक्ट करके रखा है। तो उसके बाद में हमें सब ये करने के बाद हमें फिर से जो हमारा आर्डिनो है उसे हमें इंसर्ट करना है। बट इस बार हमें क्या करना है पता है, ये जो बटन है इस बटन को हमें एक साथ दबा के एंड प्लस हमने यहाँ पे इसको इंसर्ट करना है। तो मैं आपको बता दूँ कैसे करते हैं इसे। सो अभी आप देखना केयरफुली कि मैं यहाँ पे इस बटन को दबा के रखूँगा, एंड देन मैं यहाँ पे ये जो वायर है इसको मैं इंसर्ट करूँगा, एक साइमल्टेनियसली इंसर्ट करूँगा, एंड उसके बाद में हम देखेंगे किस तरह से आगे प्रोसीड करते हैं करके। सो मैं आपको अभी अभी इंसर्ट करता हूँ ये वायर, और इस जो बटन है इसको प्रेस करना है जिससे कि ये एटी मोड में चले जाए, कमांड मोड में चले जाए। तो देखो अभी ये एटी मोड में चला गया, क्योंकि ये अभी एक ब्लिंक देखो, ये मतलब हर 2 सेकंड में ना ब्लिंक हो रहा है, मतलब ये एटी मोड में चला गया है। तो अभी हम देखेंगे सीरियल मॉनिटर पे कि किस तरह से हम इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। मैंने जो भी मेरा ब्लूटूथ मॉड्यूल है वो कनेक्ट कर दिया है, उसको यहाँ पे एक साथ इंसर्ट कर दिया है। उसके बाद में हमें टूल्स में जाना है, एंड देन सीरियल मॉनिटर पे क्लिक करना है। अभी देखो अभी सीरियल मॉनिटर क्लिक होता है, ये हमारा सीरियल मॉनिटर है। तो इसके पहले देखो अभी आपका तो यहाँ पे 9600 रहेगा, मेरे यहाँ पे अभी बाय लकीली यहाँ पे ये 3840 पे हमें ओपन हो गया। तो हमें ये जो 3840 पे हमें इसको रखना है, एंड देन हमें यहाँ पे अगर आपका 9600 पे रहेगा तो आपको 3840 बॉड पे आपको सेट करना है, और यहाँ पे ये बोथ NL और CR होना चाहिए, एंड देन हमें इसमें 80 लिखना है। तो ओके 80 हो गया, मतलब ये कमांड हो गया, मतलब ये 80 कमांड ओके ही है। अभी हमें देखना कि 80 प्लस रोल अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ और तो क्वेश्चन मार्क करूँ, तो यहाँ पे ये 1 है। अब ये 1 क्यों है, ये मास्टर है। मैं आपको एक्चुअली मुझे आपको स्लेव करके बताना चाहिए, स्लेव बताना चाहिए था। तो
तो मैं आपको थोड़ा सा, मैं जस्ट फॉर अ सेकेंड मैं इसको मैं क्लोज करता हूँ। बाकी जो भी स्टेप्स मैंने आपको बताया वो सेम रहेंगे, सिर्फ मैं इसको निकाल के इसमें मैं स्लेव बता दूंगा कि हमें स्लेव पहले कॉन्फ़िगर करना होता है, इसके बाद हमें मास्टर कॉन्फ़िगर करना होता है। तो मैंने गलती से पहले मास्टर लगाया, तो मैं फिर से मैं स्लेव करके लगा के बताता हूँ आपको। तो वेट अ सेकेंड, ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। सो मैंने आर्डिनो को कनेक्ट कर दिया है, और इस बार मैंने स्लेव कनेक्ट किया है। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मैंने एस मार्क किया था, तो मैंने ये स्लेव कनेक्ट कर दिया है। तो अभी अगर मैं यहाँ पे, अभी जब मैं अगर फिर से 80 रोल, सॉरी 80 रोल एंड क्वेश्चन मार्क, अगर मैं इस कमांड को बताओ, तो अभी मेरे को रोल जीरो आ जाएगा। रोल जीरो मतलब क्या होता है कि ये जो हमारा गिवन जो ब्लूटूथ मॉड्यूल है अभी स्लेव मोड में है, इसको हम मास्टर मोड में भी कर सकते हैं। एक मास्टर को जैसे आप पिकोनेट का आपको कॉन्सेप्ट पता होगा, अगर आपने WT में पढ़ा होगा वायरलेस टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट में, एक मास्टर साथ ले इसको हम कनेक्ट कर सकते हैं। तो वो तो वही कॉन्सेप्ट इस HC05 में अप्लाई होता है। तो यहाँ पर अभी मैंने यहाँ पे 80 प्लस रोल बता दिया, तो अगर आपको 80 प्लस UART भी एक कमांड होता है जिससे कि वो बताता है कि कौन से सीरियल मतलब कौन से बॉर्ड में है, 9600 फ्रीक्वेंसी जो हमने बताया था कि उस पे ही सेट होना चाहिए, तो वो एक बार आप चेक कर ले लो। अगर हमें इसको अभी मैं इसको मास्टर में कैसे करना है, तो हम कैसे करते हैं, 80 प्लस रोल इज इक्वल टू जो भी है उसको हम लोग रोल, अगर हमें चेंज करना है इसको वन कर देना है तो हम वैसे कर सकते हैं। बट अभी फिलहाल के लिए मेरा जो ब्लूटूथ मॉड्यूल है वो मैंने पहले से प्रीसेट करके रखा, तो हमको चेंज नहीं करना है, तो मैं यहाँ पे वैसे ही रख दूंगा। एंड देन यहाँ पे 80 प्लस ADDR ये कमांड आपको हमेशा रन करना पड़ेगा फॉर द स्लेव मोड, क्योंकि याद है ये भाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट, आपका ये जो एड्रेस है इसको आपको कॉपी करना पड़ेगा। अगर आप डेस्कटॉप पे अगर है तो आप डेस्कटॉप पे एक इसको पेस्ट कर देना। मैं अभी फिलहाल के लिए एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बना के, ओके ठीक है, इसको मैं YT लिख देता हूँ। एंड यहाँ पे मैंने ये जो एड्रेस है वो मैंने स्टोर करके रखा है, क्यों स्टोर करके रखा है कि जब हम लोग मास्टर में जाएंगे तो हमें मास्टर में भी क्या देखने कि वो जो एड्रेस है किस पे कनेक्टेड है, किस पे हमें इस स्लेव मॉडल को मास्टर के साथ बाइंड करने का है। तो हम लोग को अगर वो करना है तो उसके लिए हमें जो स्लेव का एड्रेस चाहिए होता है, तो उसके लिए मैंने आपको पहले स्लेव कैसे कॉन्फिगर करते हैं वो बताऊंगा। तो अभी मैं मास्टर कनेक्ट करूंगा, जैसे हमने स्लेव करने जैसे वैसे जैसे हमने स्लेव कनेक्ट किया वैसे मास्टर कनेक्ट करना है, तो हम लोग अभी वो कनेक्ट करेंगे एंड देन वी विल प्रोसीड एट 1 minute later। सो अभी मैंने यहाँ पे जो मेरा मास्टर है वो मैंने कनेक्ट कर दिया है विद आर्डिनो यूनो। तो अभी अगर मैं फिर से जो भी सीरियल मॉनिटर है वो ओपन करूंगा, पहले आप अगर आपको चेक करना है तो यहाँ पे टूल्स में जाओगे, आर्डिनो बोर्ड में देखोगे कि है कि नहीं, पोर्ट देख लोगे, एंड देन आप अगर यहाँ पे सीरियल मॉनिटर है उसको आप क्लिक कर सकते हो। एंड देन मैं यहाँ पे पहले 80 टाइप करके देखता हूँ। सो ओके, और यहाँ पे ये जो बोर्ड है वो मैंने पहले से सेट था, तो ओके हो गया। देन अगर आप मैं यहाँ पे इसको अगर इस मॉड्यूल को पूछूँ कि भाई 80 रोल तेरा क्या है, तो बताएगा कि 1 है। 1 मतलब क्या, ये मास्टर है। जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर आपको 80 रोल चेंज करना है तो 80 प्लस रोल लिखना है एंड इक्वल टू 1, जो आपको अगर इक्वल टू ऐसा 1 लिख देना है 1, क्योंकि डिफॉल्ट क्या होता है, डिफॉल्ट जो भी अगर आप नया अगर आप यूज़ कर रहे हो ब्लूटूथ मॉड्यूल, तो जो ये जो ब्लूटूथ मॉड्यूल होता है वो 0 होता है, जो रोल होता है वो 0 सेट होता है, मतलब वो डिफॉल्ट वो स्लेव ही रहता है, हमें उसको मास्टर में कन्वर्ट करना पड़ता है बाय गिविंग 80 कमांड्स। तो अभी यहाँ पे मैं, मेरा पहले से ही रोल 1 है तो मैं इसमें चेंजेस नहीं करूँगा। उसके बाद में 80 प्लस UART होता है, जैसे मैंने आपको बताया था वो 9600 है भी नहीं। उसके बाद में 80 प्लस CMOD क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे मैं सिर्फ चेक करने के लिए एक सेकेंड, तो यहाँ पे मैं अभी 80 प्लस CMOD लिख दूंगा और इसको कैलकुलेटर का एंटर कर दूंगा। तो यहाँ पे 80 प्लस CMOD इक्वल टू 0 आ चुका है। यहाँ पे 0 आया मतलब क्या है, यहाँ पे हमने 0 क्यों लिखा है, तो यहाँ पे पहले तो अगर हमें सेट करना है, आप अगर नया यूज़ करें तो आपको डायरेक्ट यहाँ पे 80 प्लस CMOD आना है और इज इक्वल टू यहाँ पे आपको 0 सेट 0 सिलेक्ट करना है, तो यहाँ पे ओके आ जाएगा। उसके बाद में आपको ये जो कमांड है 80 प्लस CMOD क्वेश्चन मार्क, ये हमें आपको यूज़ करना है। इससे हम क्या बताते हैं कि इस मास्टर को सिर्फ एक ही ब्लूटूथ मॉड्यूल से पेयर करना है ये, और अगर आपको 1, 2, 3 करके जाएगा तो वो और आप बढ़ा के जा सकते हो, आपको 2 के साथ करना है, 3 को 3 स्लेव के साथ कनेक्ट करना है इस मास्टर के हेल्प से, तो आप वो कर सकते हो यूजिंग द 80 प्लस CMOD। बट अभी यहाँ पे तो मेरे को सिर्फ एक ही ब्लूटूथ मॉड्यूल यूज़ करना है, तो हमने यहाँ पे वो सारे चीज़ें जो भी है वो कॉन्फ़िगर 80 प्लस मॉड कर दिया है। तो यहाँ पे मैंने 80 प्लस उसके बाद में 80 प्लस बाइंड करके कमांड है, उसके बाद में इज इक्वल टू करना है, और ये जो आपने एड्रेस मैंने यहाँ पे जो कॉपी पेस्ट किया था तो उसको कॉपी करके यहाँ पे आपको डालना है।
बट अभी फिलहाल के लिए ये जो मेरे पास है वो सब कॉन्फ़िगर करके रखा है। तो यहाँ पे देख सकते हो 80 प्लस बाइंड करोगे तो जो हमने जो स्लेव का जो लिया था एड्रेस वो यहाँ पे पहले से ही कॉन्फ़िगर है, 80 प्लस C8 FC8 जो भी ये कोड है वो। और अगर आपको सेट करना, जैसे मैंने आपको बताया, फिर से एक बार बता देता हूँ, तो 80 प्लस बाइंड करोगे एन इज इक्वल टू करोगे, और उसके बाद में वो जो अगर आप कोड डालोगे यहाँ पे 80 FC8 या FC8 9A5C5CA, अभी फॉर एग्जाम्पल इसमें स्लेव का एड्रेस ये था, और उसके बाद में आपको सिर्फ एंटर दबाना है। ओप्स, यहाँ पे फिर एरर आ गया कि मैंने कुछ तो गड़बड़ किया है। 80 प्लस, तो यहाँ पे मैंने 80 प्लस बाइंड लिखना, और यहाँ पे ये जो सेमी कॉलन थे ना इसमें, तो इसको आपको सिर्फ कॉमा से इसको रिप्लेस करना है, इसको कॉमा से रिप्लेस करना है एंड देन आपको एंटर मारना है। तो भी एरर आया। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। मैं आपको और एक चीज़ बोलना भूल गया कि यहाँ पे आप एड्रेस कॉपी करोगे तो यहाँ पे बीच में सेमी कॉलन होता है, उसके बदले आपको यहाँ पे कॉमा डालना है एंड देन आपको एंटर करना है, तब वो ढंग से चलेगा एंड तभी ही होगा। और एक बार जब कर दे तो एक बार अगर कर दिया तो वो सेट हो जाता है, मास्टर और स्लेव वो कनेक्ट हो जाता है। अभी उसके बाद में ये सारी चीज़ें होगी, आपको ये क्लोज करना है एंड नाउ वी आर एक्चुअल में रेडी है कि हमें अब इसमें कैसे करते हैं। बट उसके पहले हमें क्या करना है कि जो दो आर्डिनो यूनोस है उसमें आपको एक में स्लेव का कोड डालना है, एक में मास्टर का कोड अपलोड करना है एंड देन हमें कनेक्शंस करने हैं। तो मैं पहले आपको जो भी स्लेव और मास्टर का जो भी आर्डिनो यूनो है उसमें हम लोग कोड डाल देते हैं एंड देन हम आगे प्रोसीड करते हैं। तो ये था, यहाँ पे हमने सिर्फ देखा कि इसको मास्टर कर दिया और जो स्लेव मॉड्यूल ब्लूटूथ मॉड्यूल नोड था उसको उन्होंने स्लेव कर दिया। तो अभी हम लोग कनेक्शन तो अभी इस्टेब्लिश कर सकते हैं इजीली। तो अभी मैं जो भी कोड है वो डाल देता हूँ आर्डिनो यूनो बोर्ड्स में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे पास दो आर्डिनो यूनोज है, तो मैं यहाँ पे जो मेरे राइट हैंड में है यहाँ पे जेनरिक आर्डिनो यूनो है। तो अगर आप परचेस करने जाओगे तो आप जेनरिक आर्डिनो यूनो परचेस करना, क्योंकि ये सस्ता होता है और ये वैसे ही काम करता है, क्योंकि अगर आप ये जेन्यून लेने जाओगे तो ये थोड़ा महंगा पड़ता है। और देन इसकी जो प्राइस है ये ऑलमोस्ट 300 to 400 में रेंज होती है, 300 के आसपास आपको जब सेल्स होते हैं तो मोस्टली वहाँ पे मिल जाए, 300 to 400 के बीच में। तो मोस्टली इसकी जो प्राइस है वो 400 से स्टार्ट हो जाता है, तो आप देख सकते हो। या फिर अगर आप लोकल लोकल शॉप में जाओगे तो ये और थोड़ा सस्ता पड़ जाएगा। तो आपको जैसे अभी करना है तो देख सकते हो, अगर आपको खरीदना है ऑनलाइन तो नीचे लिंक्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप देख सकते हो। तो अभी हमें जो यहाँ पे अभी सिर्फ कोड एंटर करना है, तो मैं यहाँ पे दोनों जो भी आर्डिनो यूनो उनको मैं कनेक्ट कर देता हूँ और जो भी रिक्वायर कोड है उसको हम लोग डाल देंगे। तो मैं आपको कनेक्ट कर रहा हूँ जैसे, एक सेकेंड, मैंने अभी दोनों आर्डिनो यूनिट्स को कनेक्ट कर दिया है। तो अभी मैंने मास्टर को जो जेनरिक आर्डिनो यहाँ पे कनेक्टेड है उसको मैं मास्टर करने वाला हूँ, और ये जो आर्डिनो यूनो जो ऑथेंटिक है जेन्यून है उसको मैं स्लेव करने वाला हूँ। सो यहाँ पे अगर आप मास्टर में देखोगे तो अभी आप देखोगे अगर आप जेनरिक है तो यहाँ पे देखो ये कॉम फाई आ जाता है। अभी मेरे इधर यहाँ पे ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर लिया क्योंकि मैंने बहुत बार लगाया है, तो यहाँ पे वो अभी अभी ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है। बट अगर आपका ऑटोमेटिक डिटेक्ट नहीं कर रहा है तो आपको ऐसे करके कनेक्ट करना पड़ेगा, ये कॉम फाई है एंड जो बोर्ड है वो आर्डिनो यूनो सिलेक्ट करना है एंड देन आपको यहाँ पे ये होने के बाद सब पहले कोड तो कंपाइल करो। वेटिंग फॉर द कोड कंपाइल। ओके, कोड कंपाइल हो गया एंड बाद में आपको एंटर करना है, मतलब उसको अपलोड करना है। तो ओके, अपलोडिंग हो रहा है कोड एंड या तो कोड जो है वो अपलोड हो चुका है। कोड अपलोड होने के बाद आपको ये इसे निकाल देना है, जो भी अगर आप यूज़ नहीं कर रहे हो आर्डिनो यूनो को तो आप ओपन और इसको निकाल दो एंड देन आप कनेक्शंस करो और फिर से आगे कर दो, बिकॉज इट्स द बेस्ट प्रैक्टिस कि आप अगर नहीं यूज़ कर रहे तो आप इसको निकाल के रख दो, नहीं तो कभी कभार शॉर्ट हो गया तो प्रॉब्लम हो सकता है जेनरिक के साथ। मोस्टली ऑथेंटिक तो जेन्यन के साथ तो इतना कभी कुछ इशू नहीं होता, बट जेनरिक के साथ कभी कभार इशू हो सकता है। तो अभी हम लोग अभी स्लेव का कोड भी हमें एंटर करना है, तो स्लेव के कोड में हम क्या करेंगे, इसको हमें पहले कंपाइल करना है इस कोड को। और मैंने यहाँ पे आपको सॉरी बनाना बोलिया, अभी यहाँ भी इसमें गया है। उसके बाद में हम लोग यहाँ पे पोर्ट सिलेक्ट करेंगे, तो मैं यहाँ पे ये COM3 सिलेक्ट करूँगा, पोर्ट एंड देन आर्डिनो यूनो बोर्ड है ही एंड देन हमने यहाँ पे कोड कंपाइल कर दिया एंड देन हमें अपलोड करना है। तो अभी मैं इस कोड को अपलोड कर दूँगा, तो कोड अपलोड हो रहा है एंड या तो अभी हमने इस पर ये हमारा स्लेव हो गया और ये हमारा मास्टर हो चुका है। तो हमने कोड तो अपलोड कर दिया है, अभी हम कनेक्शन देखेंगे किस तरह से हम कनेक्शंस कर सकते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने जो बेसिक कनेक्शन है, मतलब एकदम बेसिक कनेक्शन किया है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है कि जो भी यहाँ पे ग्राउंड 5 वोल्ट 3.3 वोल्ट है उसको मैंने यहाँ पे पास किया है इन दिस
इसको मैं यहाँ पे कनेक्ट कर लेता हूँ, जस्ट सेकेंड। तो यहाँ ओके, तो यहाँ पे ये ग्राउंड मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर लिया है। ये स्लेव का कनेक्शन यहाँ पे मैं पूरा कर दूंगा और इस पार्ट में हम लोग मास्टर का कनेक्शन कर देंगे। तो मैं अगर इसको थोड़ा सा अच्छे सेपरेट कर आउट करने के लिए मैं क्या करूँगा पता है, मैं इसको अगले बोर्ड पर कर दूँ जिससे कि अब कन्फ्यूजन ना हो कि मतलब मास्टर और स्लेव क्या है। तो और इस ग्राउंड को मैं यहाँ पे लगा दूंगा जिससे कि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो करके, एंड बस हो गया ऑलमोस्ट। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे बेसिक कर दिया। तो यहाँ पर भी मैंने वो सेम किया कि 3.3 वोल्ट को यहाँ पे मैंने यहाँ पे कनेक्ट किया है, 5 वोल्ट को यहाँ पे कनेक्ट किया है, और इसके थ्रू हम लोग अभी सारे जितने भी जो ब्लूटूथ मॉड्यूल्स हैं हम कनेक्ट करने वाले, इसके हमें जो आउटपुट डिवाइसेज वो भी आउटपुट इनपुट डिवाइसेज जो है वो कनेक्ट करेंगे। अकॉर्डिंग टू हमारे जो कोड के हिसाब से हम लोग अभी सारे कनेक्शंस कर देंगे हायर सेंसर है, तो वो हम लोग वैसे ही कनेक्शन करने वाले हैं। सो अगर आप अपने हमारे इसमें कोड में देखोगे तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है कि जो पिन मोड है वो 3 है, मतलब जो हमारा जो यहाँ पे आउटपुट कहाँ पे है, तो आउटपुट वायर यहाँ पे हमारी पर्पल वायर है। तो हम जो पर्पल वायर है, सेकेंड ये फोकस नहीं हो रहा थोड़ा सा, हाँ तो यहाँ पे जो हमारा आउटपुट वायर है ये हमारा पर्पल है, तो हम लोग उसको यूज़ कर उसको हम लोग पिन आउट पिन नंबर 3 पे कनेक्ट करेंगे। तो मैं आपको अभी कनेक्ट करके बताता हूँ। और बाकी के जो दो वायर्स है वो है ग्राउंड और VCC, तो मैं ग्राउंड को ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर दूंगा, VCC को VCC के साथ कनेक्ट कर दूंगा। तो मैंने यहाँ पे जो मेरा IR सेंसर है वो मैंने कनेक्ट कर दिया है, कि जो भी चीज़ें चाहिए थी वो कनेक्ट कर दिया मैंने IR सेंसर को। यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने बराबर से जो भी ग्राउंड और VCC है उसको मैंने VCC और ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर दिया है। सो सारी चीज़ें तो मैंने कर दिया। अभी हमें यहाँ पे जो मास्टर जो है हमारा जो हमें मास्टर ब्लूटूथ है उसको हमें अभी अगर कनेक्ट करना है, तो इसमें सिर्फ बाकी ये जो भी जिस तरह से है यहाँ पे ये जो वायर है 3.3 वोल्ट जो EN की जो वायर है ना यहाँ पे, ये जो यहाँ पे उन्होंने 3.3 वोल्ट लिख रहा है ना कनेक्ट की जो पर्पल वायर है ना उसके साथ ये सीरीज़ में कनेक्ट हो जाएगा। उसके साथ कनेक्ट हो जाएगा एंड देन हमारे यहाँ पे ये जो है यहाँ पे अगर आप देखोगे यहाँ पे RX और DX, यहाँ पे RX और TX क्या है, ये येलो वायर RX है और ये ब्लैक वायर TX है। तो जब आप कनेक्शन करोगे, जब हमने सेटअप करे थे तो हमने RX को RX के साथ लगाया यहाँ पे पोर्ट पे और TX को TX के पोर्ट में लगाया, वैसे जब हम कम्युनिकेशन के लिए करेंगे तो हम कैसे करेंगे, जो हमारा RX का जो वायर है भाई यहाँ पे हमारे पास येल्लो है, तो हम लोग RX को हम लोग TX के साथ कनेक्ट कर देंगे, RX को TX के साथ, और यहाँ पे ये जो ब्लैक है TX जो ब्लैक TX है उसको हम लोग RX के साथ कनेक्ट कर देंगे। और ये देख लेना, ये थोड़ा संभाल के करना, क्योंकि क्या होता है पता है कि जब हम इसको जेनरिक के साथ करेंगे तो कभी कभार अगर हमने अगर RX को RX को TX कर दे और कम्युनिकेट करने देख दे तो कभी कभार ये शॉर्ट भी हो सकता है। तो ये ध्यान से करना कि RX को बराबर से जब कम्युनिकेशन करोगे तो RX को TX पे लगाना है और TX की जो वायर है उसको RX पे RX पोर्ट पे लगाना है। तो हमने यहाँ पे कर दिया और बाकी ये जो दो वायर्स है ये VCC और ग्राउंड पे वो हमें करने का, तो वो आपको कनेक्ट करके बताता हूँ मैं आपको। यहाँ पे मैंने सारे कनेक्शंस कर दिए, जो भी 5 वोल्ट पे हमने जो VCC को VCC के साथ कनेक्ट कर दिया, ग्राउंड को हमने ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर दिया है, और इस तरह से मैंने जो भी सारा सेटअप है वो मैंने कर दिया है। एंड अभी अगर हम यहाँ पे आगे प्रोसीड करेंगे, यहाँ पे अगर आप देखने होंगे तो हमें सेम कनेक्शंस करना है। तो अभी यहाँ पे हमारा जो आउटपुट पिन क्या है, यहाँ पे स्लेव में हमारा ये जो ग्रीन पिन है ये हमारा आउटपुट पिन है, मतलब जो येलो कलर से जो कनेक्टेड है हमारा ग्रीन पिन है, तो उसको हम किस में करेंगे, अब 9th जो भी पिन मोड है उस पर हम कनेक्ट करेंगे। तो सेकेंड ओके या तो 9th पे अभी ये कनेक्ट हो चुका है, तो अब हमने 9th पे हमने कनेक्शन कर दिया है एंड बाकी ये जो भी है वो VCC और इस पर हम लोग कनेक्ट कर देंगे। और सेम जैसे हमने यहाँ पे मास्टर साइड पे किया वैसे ही हम स्लेव साइड पे कनेक्शन कर देंगे। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा फ़ोन साइड में रख दूंगा, कनेक्शन फट से कर दूंगा एंड बाद में हम देखेंगे कि किस तरह से मैंने कनेक्ट किया है, थोड़ा सा जंबल हो जाएगा पर जैसे मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया था वैसे ही यहाँ पे हम लोग करेंगे। यहाँ पे देखो यहाँ पे ग्रीन जो वायर है वो RX है, तो यहाँ पे मैं इसको TX के साथ कनेक्ट TX के पोर्ट में डाल दूंगा। RX का जो वायर है ये जो ये मेरे हाथ में है ये ब्राउन वायर ये TX है, तो इसको TX को मैं RX में डाल दूंगा, यहाँ पे देख सकते हो आप।
और बाकी जिस तरह से मैंने आपको IIT में कैसे उन्होंने कनेक्ट किया था कि वो जो इसको VCC का कनेक्ट करना है तो येलो है, तो यहाँ पे मैंने 3.3 वोल्ट के लिए मैंने ब्लू वायर यूज़ किया है, तो वो उसके साथ ये सीरीज़ में कनेक्ट हो जाएगा EN। सो या मैंने सो भी सारा जो कनेक्शन है वो मैंने कर दिए है। सो जो भी बचे कुछ कनेक्शन थे वो मैंने कर दिए है। यहाँ पे आप देख सकते हो तीन तीन VCCs है, यहाँ पे दो जो दो वायर्स है, मतलब ये ब्लूटूथ के लिए है जो EN हम गए थे कनेक्टेड है। यहाँ पे तीन ग्राउंड्स कनेक्टेड है, सेम जो आप कॉन्फ़िगरेशन देखोगे सेम हमने स्लेव के साइड भी किया है। तो अभी हमें सिर्फ जो भी है वो हमें सिर्फ यहाँ पे इसको पावर देना है। तो पावर के लिए आप USB यूज़ कर सकते हो, नहीं तो अगर आप यहाँ पे छोटी बैटरीज भी आती है उसको अगर आप कनेक्ट करके भी कर सकते हो, बट अभी मैंने यहाँ पे मैं USB यूज़ कर रहा हूँ एज अ पावर। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जिस तरह से जब मैंने सारे दोनों स्लेव और ये जो मास्टर है उसको मैंने कनेक्ट किया, तो उसके बाद में कैसे हम देखेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे अभी ये जो ब्लूटूथ मॉड्यूल्स थे वो अभी बहुत ही फास्ट ब्लिंक होते हैं। मतलब अगर AT कमांड्स में क्या होता था कि वो स्लो, हम जब AT कमांड्स मोड में जाते AT मोड में जाते तो हम कैसे होता था ब्लूटूथ मॉड्यूल्स देखो कि 2 सेकेंड बाद ब्लिंक होता था, 2 सेकेंड के बाद बंद होता था। पर जब कम्युनिकेशन मोड में होता है तो वो ब्लिंक होता है बंद होता है, ब्लिंक होता है बंद होता है, मतलब बहुत फास्ट ब्लिंक होता रहता है। वो देखते रहते कि कोई सीरियल इनपुट आ रहा है कि नहीं। तो अभी आप देखोगे तो यहाँ पे ये जो भी अभी तो गेट जो बंद है, यहाँ पे मैं अगर यहाँ पे इसको इनपुट दे दूंगा तो ये डिटेक्ट कर लेता है और वो बंद हो जाता है। फिर से अगर आपको देख सकते क्लियर दिख जाएगा आपको, तो यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिटेक्ट हुआ, गेट ओपन हो गया, फिर से बंद हो गया, ऑब्जेक्ट डिटेक्ट हुआ और ये बंद हो गया, ऑब्जेक्ट डिटेक्ट हुआ और ये बंद हो गया। तो अभी हमने इस तरह से उन्होंने यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया है। तो इस तरह से ऑटोमेटिक बैरियर ओपनर सिस्टम इम्प्लीमेंट होता है। ये ब्लैंक दिए इसे मतलब बहुत ही जो गार्बेज वैल्यूज बता रहा है। तो यहाँ पे आपको पहले तो 9600 में उन्होंने सेट किया था, तो हम लोग को वो करना है कम्युनिकेशन के लिए। तो अभी आप देखोगे तो यहाँ पे AA प्रिंट हो रहा है और यहाँ पे बीच में गैप्स की वजह से उन्होंने डिले दिया है 100 मिलीसेकंड्स का, तो इसलिए वो गैप आ रहा है। तो ये हमारा COM3 मतलब ये स्लेव का है, हम लोग सेम मास्टर के साथ भी देख सकते हैं, सीरियल मॉनिटर है वो देखेंगे। तो यहाँ पर भी रबिश वैल्यू गार्बेज वैल्यू दे रहा है एंड देन मैं इसको 9600 सेट कर रहा हूँ, यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो अभी मेरा कैमरा थोड़ा सा फोकस हो चुका है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो A कैपिटल A वैल्यू जी करे, मतलब अभी यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट डिटेक्ट नहीं हो रहा है। जब वो ऑब्जेक्ट डिटेक्ट हो जाएगा ना तो आप सीरियल मॉनिटर में, अभी यहाँ पे अपना हाथ रख दूंगा ऑब्जेक्ट डिटेक्ट करने के लिए, और अब अभी यहाँ पे सीरियल मॉनिटर पे ध्यान देना कि कैसे चेंजेस हो रहा है। अभी मैं यहाँ पे रख रहा हूँ, सो 3 2 1 देखो स्मॉल ए देखा, स्मॉल ए प्रिंट हो रहा है, और अगर उसमें अगर नहीं दे रहा तो ये हो रहा है। एंड सेम हैपन यहाँ पे भी वैसे देखा रहेगा ऊपर, यहाँ पे उसने कैच भी किया रहेगा यहाँ पे। तो अभी हम लोग मैं फिर से कर लेते हैं, इसमें कुछ ये नहीं है, तो मैं फिर से सेंड कर देता। आप अभी स्लेव मोड पे देख लो, वो यहाँ पे क्या स्मॉल ए ले लेगा। सो यहाँ पे स्लेव साइड उसको डिटेक्ट कर रहा है जो भी कमांड्स उसको मास्टर दे रहा है। तो इस तरह से हम लोग ऑटोमेटिक बैरियर गेट ओपनर ओपन कर सकते हैं। तो मैंने मेरे इसके लिए यहाँ पे थोड़ा सा मैश लग रहा है, पर जब मैंने यहाँ पे मैंने अपना एक मॉडल भी बनाया फॉर आवर प्रोजेक्ट, तो हम लोग वो भी देख लेते हैं। सो या Sometimes we're not ourselves, there's no one I can turn to. And I'll take some time, but I'll be alright. We're moving on. फॉर दी वीडियो, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई रहेगी जो मैंने वीडियो डॉक्यूमेंट की है। सो ये जब मैंने वीडियो बनाया तो ये बहुत हेस्ट मैनर में बनाया था और बहुत कंस्ट्रेंट टाइम में बनाया था। एंड ऑल्सो दिस इज माई फर्स्ट टाइम टू डू सच वीडियोज। इफ देर इज एनी लैकिंग, अगर आपको कुछ कमियाँ नजर आ रही है तो आप कमेंट में कमेंट कर सकते हो, और कैसे मैं इस वीडियो को इम्प्रूव कर सकूँ, या फिर मैं अगर नेक्स्ट टाइम इस तरह की अगर वीडियोज लाओ तो मैं कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ, उसके ऊपर आप मुझे कमेंट में कमेंट कर सकते हो। पर फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही था, मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए सी यू, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय।